स्टोकियोमेट्री कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट हो और नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो, कितना प्रोडक्ट यूज करने पर कितनी सॉरी कितना रिएक्टेंट यूज करने पर कितनी प्रोडक्ट मिली। अब ये रिएक्टेंट कितने नंबर्स में थे, एक दो तीन ऐसा नहीं, 1 2 3 4 नहीं, बट मास में कितना ग्राम रिएक्टेंट यूज करने के बाद कितना ग्राम प्रोडक्ट मिला, ये जो कैलकुलेशन होती है इट शोज स्टोकियोमेट्री विथ एन एग्जाम्पल ऑफ कंबर्शन ऑफ मीथेन गिव्स CO2 प्लस H2O। स्टोकियोमेट्री डिसाइड करने से पहले सबसे पहला मतलब फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको बैलेंस करो, तभी स्टोकियोमेट्री सही जाएगी, जो भी कैलकुलेशन करोगे वो सही जाएगी। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, केमिकल जो इक्वेशन उसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई विथ 2, ओके, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन सबके सब बैलेंस। अभी स्टोकियोमेट्री कितने मेथड से देखी जाती है, फर्स्ट मेथड मोल, 1 मोल ऑफ मीथेन कंबस्ट विथ 2 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन गैस गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 2 मोल ऑफ H2O, राइट। नेक्स्ट मास, कार्बन 12 हाइड्रोजन 4, तो 16 ग्राम मीथेन कंबस्ट विथ 64 ग्राम ऑक्सीजन गिव्स 44 ग्राम CO2 एंड 36 ग्राम H2O, राइट। ये मास में हुआ स्टोकियोमेट्री, ये मोल में था। 16 ग्राम मीथेन को 64 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ कंबर्शन करने पर 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ H2O मिलता है। यहाँ पर 64 कैसे आया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 4 टाइम ऑक्सीजन 16 फोर 64 हो गया। नेक्स्ट वॉल्यूम, ओके, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ 22.4 लीटर CH4 रिएक्ट विथ 22.4 मल्टीप्लाई विथ 2 लीटर ऑफ डाइऑक्सीजन गिव्स 22.4 लीटर CO2 एंड 22.4 मल्टीप्लाई विथ 2 लीटर ऑफ H2O। एंड लास्ट वन मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाइऑक्सीजन गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। सो मोल एंड मॉलिक्यूल बोथ आर लव सेम, ओके। अब ये स्टोकियोमेट्री यूज कहां पर करेंगे, कैसे होता है इसका यूज, क्या कैलकुलेशन होता है स्टोकियोमेट्री को यूज करके। सी, 44 ग्राम ऑफ CO2, 16 ग्राम ऑफ CH4, मतलब कि 16 ग्राम मीथेन को कंबर्शन करने पर, उसका कंबर्शन करने पर 44 ग्राम CO2 मिलता है। तो 22 ग्राम ऑफ CO2 लेने के लिए कितना ग्राम CH4 चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, 22 ग्राम CO2 के लिए कितने मोल CH4 चाहिए। टू क्वेश्चन हियर, 1, 22 ग्राम ऑफ CO2 के लिए हाउ मच ग्राम ऑफ CH4 वी वॉन्ट और वी नीड, एंड सेकेंड क्वेश्चन, फॉर 22 ग्राम ऑफ CO2 हाउ मच मोल, राइट, इन मोल रिक्वायरमेंट फॉर CH4। सिंपल कैलकुलेशन, सी, 16 ग्राम दैट 44 ग्राम, ये हो गया CH4, ये हो गया CO2। 16 ग्राम CH4 से 44 ग्राम CO2 मिलता है, सॉरी, ओके, रॉन्ग नंबर, सॉरी, उल्टा हो गया, CO2
एंड सी एच फोर। 44 ग्राम CO2 के लिए 16 ग्राम सी एच फोर, 22 के लिए सो कैलकुलेशन इज 22 × 16/14, आंसर इज 8 ग्राम ऑफ सी एच फोर रिक्वायर्ड टू गेनिंग ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबर्शन फर्स्ट इन ग्राम, सेकेंड फॉर इन मोल। 44 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, 22 इज इक्वल टू हाउ मच, सो 22/44 इज इक्वल टू 0.5 मोल ऑफ मीथेन, राइट। सो स्टोकियोमेट्री मीन्स यू कैन इजिली कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फाइन। नेक्स्ट टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स व्हाट? इन एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन देर आर, इफ देर आर मोर देन वन रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट उसी टाइप की रिएक्शन के लिए होता है जिनमें रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, मोर देन वन, टू और मोर देन टू, राइट। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन में जिसमें बहुत सारे रिएक्टेंट हो, उसमें से कोई भी एक रिएक्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन जब प्रोसेस चलता है तब वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, यूज हो गया, अब उसकी क्वांटिटी थोड़ी भी बाकी नहीं है, राइट। और बाकी के जो रिएक्टेंट है वो अभी है, उनकी क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी जो भी रिएक्शन चल रहा था वो स्टॉप हो जाता है वहीं पर। ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के ड्यूरिंग खत्म हो जाने पर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, भले ही बाकी के रिएक्टेंट अभी भी हो, बच्चे हो, तो भी रिएक्शन पूरा स्टॉप हो जाता है। दिस काइंड ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, लिमिटेशन में डाल देता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, डाइनाइट्रोजन प्लस डाइहाइड्रोजन गिव्स एमोनिया, राइट। ओके, वन मोल ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस गिव्स 2 मोल ऑफ एमोनिया। इसको दूसरी वे में मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस गिव्स 34 ग्राम ऑफ एमोनिया। ओके, अभी आपको जो एक एग्जांपल दिया गया है वो ये है कि 15 किलोग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ 10 किलोग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रिएक्शन हाउ मच क्वांटिटी विल गेन ऑफ एमोनिया इन ग्राम एज वेल एज इन मोल। एंड सेकंड क्वेश्चन, इन फ्रॉम द रिएक्टेंट्स विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये दोनों रिएक्टेंट है उनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा। ओके, सो 1 मोल डाइनाइट्रोजन 2 मोल एमोनिया देता है, 28 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन गिव्स 34 ग्राम एमोनिया, सो 15 किलोग्राम डाइनाइट्रोजन कितना एमोनिया देगा। तो उसके लिए सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो N ऑफ N2 इज इक्वल टू, सी 28 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, देन 50 किलोग्राम इज इक्वल टू 50 × 1000, ये 1000 कहां से आया, ये ग्राम में है ये किलोग्राम है, तो किलोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई विथ 1000 डिवाइडेड बाय 21, 28 गिव्स 1, 50 इज इक्वल टू 1, राइट। सो आंसर इसका आता है आई थिंक 1.7 समथिंग आता है, एक मिनट कैलकुलेशन, 50 / 28, हाँ सो आंसर इज 1.7857 मल्टीप्लाई विथ 10³ मोल ऑफ N2। ओके,
इसी चैप्टर में आगे जितने भी टॉपिक्स है उसमें आप लोगों ने देखा है कि जितनी भी कैलकुलेशन होती है उनमें जो भी नंबर्स होते हैं उन नंबर्स में मिनिमम डिजिट को देखा जाता है। जितने मिनिमम डिजिट हो राइट आंसर उतने डिजिट में मिलना चाहिए। यहाँ पर टू डिजिट्स है ना तो इसको टू डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये n ऑफ n2 इज इक्वल टू फाइनली 17.86। अभी 17 तो समझ में आ गया, 86 कैसे आया? ये 85 लेकिन पीछे वाला 7 है तो ये 86 हो गया इंटू 10^2 मोल राइट। ओके सेम वे हाइड्रोजन के लिए NH2 इज इक्वल टू ओके सी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम बट यहां पर H2 है तो H2 मतलब 2 हाइड्रोजन तो 1.008 मल्टीप्लाई विथ 2 इज इक्वल टू 2.016 ग्राम। ओके तो 2.016 ग्राम H2 इज इक्वल टू 1 मोल। सो 2.016 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2 सो 10 किलोग्राम इज इक्वल टू व्हाट? सो 10 मल्टीप्लाई विथ 1000 डिवाइडेड बाय 2.016 तो ये आंसर मिलता है 4.96 इंटू 10^3 मोल ऑफ H2 राइट। यहां पर जो भी आंसर है वो 4 पॉइंट में ही रहेगा बिकॉज यहां पर जो वैल्यू है वो 2 पॉइंट में है तो ये आंसर कन्वर्ट नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ओके फाइन सी 28 ग्राम एमोनिया यूज करने पर 28 ग्राम डाइनाइट्रोजन यूज करने पर 34 ग्राम एमोनिया मिलता है। सेकंड 1 मोल डाइनाइट्रोजन 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करता है 2 मोल एमोनिया के लिए तो यहां पर 17.86 मोल डाइनाइट्रोजन कितने मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा सबसे पहले ये निकालेंगे। सो 1 इज इक्वल टू 3 देन हाउ मच फॉर 17.86 तो डायरेक्ट कैलकुलेशन ये हो जाएगा कि 17.86 इंटू 10^2 मल्टीप्लाई विथ 3 ओके तो ये आंसर होगा आई थिंक 51 point something जस्ट अ मिनट ओके सॉरी 17.86 मल्टीप्लाई विथ 53.58 ओके बट यहां पर एक तो ये हो जाएगा 5.358 मोल ऑफ H2 ओके 16 मतलब इतना मोल डाइनाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए कितना मोल चाहिए इतने मोल हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन चाहिए बट यहाँ पर अपने पास यही है इतना ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है डाइहाइड्रोजन की क्वांटिटी मतलब ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। तो अपना जो एक क्वेश्चन था कि इस पूरे रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है तो डाइहाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो भी ये रिएक्शन हो रहा है उसमें से 50 किलोग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन से कितना मिलेगा एमोनिया राइट ओके सो अभी तो अपने पास इतना ही है इतना मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन सॉरी 4.96 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन है तो अभी ये बोल सकते हैं कि 3 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन क्योंकि हमने ये निकाला है लिमिटिंग रिएजेंट ही है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा ओके तो 3 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन 2 मोल ऑफ एमोनिया देता है तो 4.96 इंटू 10^3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना देगा तो सीधा कैलकुलेशन 4.96 इंटू 10^3 मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाय 3 कैलकुलेशन तो 4.96 मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3.3066 इंटू 10^3
मोल ऑफ एमोनिया मिलेगा। ओके अभी मोल को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो सी ये मोल ऑफ अच्छा एमोनिया ये 2 मोल ऑफ एमोनिया मतलब 34 ग्राम हो गया मतलब कि 78 ग्राम ऑफ एमोनिया इज इक्वल टू 1 मोल। सो 1 मोल एक मिनट ये मोल में यहाँ ओके तो 17 ग्राम का एक मोल होता है तो 1 मोल इज इक्वल टू 17 ग्राम। सो हाउ मच ग्राम फॉर दिस वन सो इसका कैलकुलेशन भी हो जाएगा 3.3066 इंटू 10^3 मल्टीप्लाई विथ 17 ग्राम। ओके तो ये आंसर मिलेगा मल्टीप्लाई विथ 17 इज इक्वल टू 56.21 ग्राम होगा ये ओके हाँ इंटू 10^3 ग्राम। ओके सो एमोनिया फाइनली कितना ग्राम मिलेगा 56 × 21 किलोग्राम क्योंकि यहाँ पर 10^3 ग्राम है इसको डिवाइड करेंगे 10^3 से तो फाइनल जवाब मिलेगा 56.21 किलोग्राम। ओके तो इतना हाइड्रोजन यूज करने पर इतना किलोग्राम एमोनिया मिलता। यहाँ पर कैलकुलेशन हाइड्रोजन के हिसाब से क्योंकि नाइट्रोजन के हिसाब से क्यों नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा क्योंकि बाकी का नाइट्रोजन कितना भी हो वो तो बिना ही उसके ही ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन नहीं हो सकती। फाइन सो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके